हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी भरवा करेले। 6 करेले लिए हैं मैंने। वजन में 350 ग्राम करेले हैं। करेलों को साफ पानी से धो लेंगे। डंठल को काट के निकाल देंगे। करेले को इस तरह से चाकू की हेल्प से खुरच के छील लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है, हल्का हल्का छीलना है। इस तरह से चाकू की हेल्प से करेले में इस तरह से लंबाई में कट लगाएंगे। ध्यान से लगाएं, चाकू हाथ में ना लगे। इस तरह से कट लगा लेंगे। करेले के अंदर से सारे बीज निकाल लेंगे। करेले को अंदर से खाली कर लेंगे स्टफिंग भरने के लिए। ये देखिए, इस तरह से सारे बीज निकाल लेंगे। इस बात का ध्यान रखें, करेले में एक साइड में ही कट लगाना है, नीचे की साइड से करेला बंद रहे स्टफिंग भरने के लिए। इसी तरह से मैंने सारे करेले साफ कर लिए हैं। करेले के बीज को फेंक देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए 300 ग्राम प्याज को छील के इस तरह से थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कटे हुए प्याज को मिक्सी के जार में डालेंगे। पानी डालेंगे प्याज को पीसने के लिए। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जार का ढक्कन बंद करेंगे और प्याज को दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना है। ये देखिए, प्याज पीस गए हैं। 250 ग्राम टमाटर। टमाटर को साफ पानी से धो के मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कटे हुए टमाटर मिक्सी के जार में डालेंगे। जार का ढक्कन बंद करेंगे और टमाटर को भी पीस लेंगे। टमाटर को पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, टमाटर को भी मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। एक बर्तन में पानी उबालेंगे। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। करेलों को पानी में डाल देंगे। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और करेलों को थोड़ी देर के लिए उबलते हुए पानी में डीप रहने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं करेलों को पानी में डीप करे हुए, निकाल लेंगे। सभी करेलों को पानी में से निकाल लेंगे और इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में 30 ml सरसों के तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। तेल में से हल्का धुआं निकलने लगा है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल ठंडा हो गया है। तड़का लगाने के लिए हल्का गर्म है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंफ। गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, लो टू मीडियम पे की हुई है। आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, आधी छोटी चम्मच जीरा। सभी मसालों को चटकने देंगे। सभी मसाले चटक गए हैं। अब इसमें डालेंगे पिसे हुए प्याज, एक हरी मिर्च कटी हुई, हमने जो करेले छीले थे वो छिलका भी इसी में डाल देंगे। प्याज के साथ भून जाएगा, चला देंगे। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक प्याज में लाइट ब्राउन कलर आना शुरू ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भून गए हैं, अब इसमें पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी घुमा के डालेंगे, चला देंगे। नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। मैंने एक छोटी चम्मच और थोड़ा सा नमक और डाला है। एक छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने। 2 छोटी चम्मच पिसा धनिया, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल छोड़ना शुरू ना कर दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला भून गया है, अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला बन गया है, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। करेले के अंदर का पानी निकाल देंगे। इस तरह से करेले ठंडे हो गए हैं, स्टफिंग भी हल्की ठंडी हो गई है। स्टफिंग को करेलों में भरेंगे। चम्मच से या हाथ से स्टफिंग को इस तरह से करेले के अंदर भरेंगे। एक्स्ट्रा मसाले को साफ कर देंगे। इसी तरह से बाकी के करेले भी भर लेंगे। सभी करेले भर लिए हैं मैंने। एक साफ धागा लेंगे और धागे को करेले के ऊपर लपेटेंगे इस तरह से। जब हम करेले को फ्राई करेंगे स्टफिंग
करेले से बाहर नहीं आएगी, करेले आसानी से फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से सभी करेलों के ऊपर धागे को लपेट लेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तेल में से हल्का धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। तेल ठंडा हो गया है, हल्का गर्म है, गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने। अब इसमें करेले डालेंगे। एक एक करके जितने करेले आसानी से तेल में आ जाएं उतने ही डालने हैं। करेलों को थोड़ी देर के लिए नीचे की साइड से फ्राई होने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। करेले नीचे की साइड से हल्के फ्राई हो गए हैं, पलट देंगे। करेलों को थोड़ी थोड़ी देर बाद अलटते पलटते रहेंगे। इसी तरह से सभी करेलों को ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। एक बैच फ्राई हो गया है, दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। करेलों को निकाल लेंगे कढ़ाई में से। मैंने करेले मीडियम फ्लेम पे फ्राई किए हैं, आप गैस फ्लेम ज़रूरत अनुसार भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। करेलों के ऊपर जो धागा है उसे खोल लेंगे, इस तरह से आसानी से खुल जाएगा। कढ़ाई में जो तेल बच गया है इसे आप ठंडा करने के बाद छन्नी में छान के सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भरवा करेले बन गए हैं। अगर आपको भरवा करेले की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।